नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में सियासी उठापटक के बीच जो है नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आ गए हैं और महागठबंधन के साथ भी वो सीएम बने हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो आरजेडी पार्टी है उनके सुप्रीमो जो कहे जाते हैं, तेजस्वी यादव अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन थे बिहार में, उनको जो है डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर बिहार के लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और ये बेहतर तरीके से काम करे यही लोगों की शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपको पता है कि हमेशा जो है लालू प्रसाद यादव को अपना परिवार बताने वाले, अपने परिवार के तरह, अपने चाचा के तरह, अपने बड़े भाई के तरह मानने वाले खेसारी लाल यादव जो हैं वो अभी तक सरकार बनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। हालांकि जब खेसारी लाल जो है एक गाना गाए थे कि बिहार बिना चालू लालू बिना चालू बिहार ना होला, तो ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिस दिन नीतीश कुमार ने पलटी मारा था उस दिन भी ये गाना अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके का बजा था। लेकिन सरकार बन गई डिप्टी सीएम के रूप में, तेजस्वी यादव वुथ सेरेमनी भी कंप्लीट कर लिए, नीतीश कुमार अगेन जो है वो सीएम बन गए, लेकिन अभी तक जो है अपने परिवार टाइप का चीज कहने वाले खेसारी लाल यादव का तेजस्वी यादव और आरजेडी को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं आया है, जिसके चलते कई सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि भैया खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी भैया को शुभकामनाएं नहीं दिया क्योंकि वो उनके करीब हैं और उनके लिए गाना भी गाते हैं, तो कम से कम बधाई तो देना चाहिए, शुभकामनाएं तो देना चाहिए, जिसको लेकर लोगों का आहत है। और खेसारी लाल यादव ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव को बधाई नहीं दिया है। लेकिन आपको पता है कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने के साथ साथ जो खेसारी लाल यादव हैं वो इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, यानी कि बैंकॉक में अपनी फिल्म संघर्ष 2 की शूटिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो या फिर शूटिंग में व्यस्त हो, जिसकी वजह से जो है वो अभी तक शुभकामनाएं नहीं दे पाए हैं। लेकिन वो जरूर इसकी जानकारी या फिर वो जब फ्री होंगे तो इसकी शुभकामनाएं देंगे और बिहार जब आएंगे तो वो जरूर तेजस्वी यादव से मुलाकात भी करेंगे। तो ये कई सारे फैंस कॉमेंट्स कर रहे थे, मुझे लगा आप सभी को एक बार जानकारी दे देनी चाहिए। तो ये जानकारी कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं देना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।